हमारे पास गाड़ी है रेनॉल्ट स्कूट की। इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने के बाद जो है इसकी जो मीटर लाइट पर जो किलोमीटर आना चाहिए वो डैश हो जाता है और इस तरह से ब्लिंक करने लग जाता है। तो हमने इसका ECM खोला और अब हम इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। ये रेनॉल्ट क्विड है। पहले हमने इसकी जो है एक 12 वोल्ट लेड वाली जो है दो तार लगाते हैं, उसके बाद एक ग्राउंड। और अपना कैन हाई बात कह लो। तो 12 वोल्ट है, एक राउंड है, एक कैन है, कैन हाई कैन लो। अब हम ये सफेद वाले GPT 0 लगाएंगे। लोग इसको ऐसे बार नहीं बोलते हैं। GPT 1 या S2 ये कनेक्शन कर दिया हमने। अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पर और हम खोलेंगे अपना PCM फ्लैश। PCM फ्लैश खुल रहा है। खुलते ही सबसे पहले अगर आपका नेटवर्क है तो ये PCM फ्लैश को अपडेट के लिए बोलता है, जो आपको नहीं करना है। इसके बाद फिर हम अपने ECM को आइडेंटी करेंगे, यस, कि हमारे कनेक्शन प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया आइडेंटी। अब हम इसके अंदर अपनी फाइल को राइट करेंगे। जहाँ हमने फाइल रखी है वहाँ से हम फाइल निकालते हैं, फाइल को राइट करते हैं। ओपन राइट, यस यस। और हमारी ये जो राइटिंग शुरू हो गई है। थोड़ा टाइम लगेगा राइटिंग में, क्योंकि ये पुराना जो है डेटा को इरेज करता है और नई डेटा जो है इसको राइट करता है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं और उसको राइट होने देते हैं।
हमारी ये राइटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको गाड़ी में लगाते हैं और चेक करते हैं। ये हमने 10 सॉकेट लगा दिए, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं।